गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 13th चैप्टर को पढ़ा और इसमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ना था जो हम लोगों ने पढ़ा, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, और डिटेल में इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। वर्ल्ड के कुछ फास्टेस्ट ट्रेन्स के नाम भी इस चैप्टर के माध्यम से जानकारी मिली आपको, है ना। कई रूट के बारे में ना, सी रूट के बारे में भी आपको पढ़ाया गया। और हम लोग आइए आज इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट है एक क्वेश्चन नंबर ए, आपने अगर किया हुआ है तो इसको मैच करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एरोफ्लाइट इज द एयरलाइन ऑफ, एरोफ्लाइट इज द, एरोफ्लॉट इज द एयरलाइन ऑफ, ऑप्शन है आपका द यूएसए, रशिया, इंडिया और कनाडा। तो एरोफ्लॉट जो है, एरोफ्लॉट जो है रशिया का एयरलाइंस का नाम है ना, तो आपका सही ऑप्शन होगा रशिया। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, है ना, रशिया। सेकेंड है, विच कैनल ज्वाइंस द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन, ए स्वेज कैनल, बी स्ट्रेट कैनल, सी पनामा कैनल और डी इंदिरा गांधी कैनल। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पनामा कैनल। थर्ड है आपका, हु इन्वेंटेड एरोप्लेन्स, यहाँ पे है विलियम ब्रदर्स, गोदरेज ब्रदर्स, गेट्स ब्रदर्स या राइट ब्रदर्स। ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज राइट ब्रदर्स, है ना, राइट ब्रदर्स ने खोज की थी, विलियम राइट्स और ऑर्विल राइट्स, यहाँ पे राइट ब्रदर्स। फोर्थ, मैग्लेव, मैग्लेव इज अ सिस्टम ऑफ ट्रेन्स, एंड फिफ्थ इज द चैनल, टनल लिंक्स द यूनाइटेड किंगडम विद फ्रांस। मैं इसको दोबारा करवाया है, फ्रेश से फिर से ऐसे करवाया है, लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने बताया था इसको, तो जिन लोगों का छूट गया होगा आज, जो कुछ दिन जिन्होंने क्लास नहीं किया होगा तो वो भी कर पाएंगे, इसलिए मैं इसको रिपीट किया। ठीक है, आइए देखते हैं आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन का फर्स्ट आंसर है रशिया, सेकंड है पनामा कैनल, थर्ड है राइट ब्रदर्स, फोर्थ है ट्रेस और फिफ्थ है फ्रांस। इसके बाद हम लोग करेंगे करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स।
आइए हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है रोड्स कनेक्टिंग मेजर सिटीज आर कॉल्ड, रोड्स कनेक्टिंग मेजर सिटीज आर कॉल्ड हाईवेज। यहां पे आप भरेंगे हाईवेज होगा आपका, हाईवेज। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये, इसमें आपको भरना है हाईवेज। फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड है द रेलवे वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द डैश गवर्नमेंट, रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश काल में हुआ था, है ना। ट्रेन की शुरुआत, ट्रेन का परिचालन ब्रिटिश शासन काल में हुआ था, तो यहां पर आंसर होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। थर्ड है राइट ब्रदर्स प्लेन वॉज कॉल्ड, राइट ब्रदर्स ने जो प्लेन बनाया उसको क्या कहा गया, फ्लायर वन। ठीक है, फोर्थ है क्वांटास इज द एयरलाइंस ऑफ, क्वांटास कहां का एयरलाइंस है, ऑस्ट्रेलिया का, क्वांटास इज द एयरलाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिफ्थ डैश शिप्स कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कार्गो शिप्स कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कार्गो बढ़ना है यहाँ पे, कार्गो शिप्स होते हैं, ठीक है, जो सामान ढोने का काम करते हैं, कार्गो शिप्स। तो इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हुआ। एक बार देखते हैं, फर्स्ट है रोड्स कनेक्टिंग मेजर सिटीज आर कॉल्ड हाईवेज, सेकेंड है द रेलवे वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, थर्ड है राइट ब्रदर्स प्लेन वॉज कॉल्ड फ्लायर वन, फोर्थ क्वांटास इज द एयरलाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ द चैनल सॉरी फिफ्थ डैश शिप्स कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कार्गो शिप्स कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरह से हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी, है ना। सी में आपका है नेम द प्लेसेस दैट जॉइंस द फॉलोइंग लिंक्स, मैं इसका डायरेक्ट जो है आंसर आपको बता रहा हूं, है ना, आप लोग उसको नोट करेंगे बुक में। ठीक है, नेम द प्लेसेस दैट जॉइंस द फॉलोइंग लिंक्स, फर्स्ट है द ट्रांस साइबेरियन रेलवे लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टोक, लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टोक फर्स्ट का आंसर होगा। डायरेक्ट आंसर है मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं और बुक आपके सामने होना चाहिए, है ना। फर्स्ट है द ट्रेन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टोक, फर्स्ट क्या होगा लेनिन ग्रेड ब्रैड टू व्लादिवोस्टोक, ये लिंक है ट्रांस साइबेरियन रेलवे का, है ना।
सेकंड है द सिटी रोड, द ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता टू पेशावर, कोलकाता टू पेशावर। थर्ड है द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस टू इस्तांबुल, पेरिस टू इस्तांबुल, इस्तांबुल। फोर्थ द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है ना, सिडनी और पर्थ को जोड़ती है, सिडनी और पर्थ बोथ इन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी टू पर्थ, टू पर्थ। फिफ्थ है स्वेज कैनल रूट मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी, मेडिटेरेनियन सी से रेड सी को कनेक्ट करती है। सी टू रेड सी लाल सागर। डबल आर कर दीजिए, मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी। सिक्स्थ नंबर द पनामा कैनल रूट अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन, पनामा कैनल रूट जो है अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन को जोड़ती है, अटलांटिक Atlantic Ocean to Pacific Ocean, Pacific Ocean, ठीक है। Seventh, the North Atlantic route, Western Europe to North America, Western Europe to North America, Western Europe to North America। दो कॉन्टिनेंट्स हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो ये वेस्टर्न यूरोप से नॉर्थ अमेरिका को लिंक करती है, जोड़ती है, ठीक है। आइए एक बार हम लोग फिर से इसको देखें। फर्स्ट है द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जिसकी कनेक्टिविटी है लेनिनग्राद टू व्लादिवोस्तोक। सेकंड है आपका जीटी रोड, हाँ यस जीटी रोड कोलकाता टू पेशावर है ना, अमृतसर तक अभी इसका लिंक है ना, पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। थर्ड है द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस टू इस्तांबुल, इस्तांबुल तक जाती है, कनेक्टिविटी है इसकी, ठीक है। फोर्थ है आपका ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे सिडनी टू पर्थ इन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी टू पर्थ। फिफ्थ है द स्वेज कैनल रूट मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी, मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी। सिक्स्थ द पनामा कैनल रूट अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन, एंड द लास्ट वन इज द नॉर्थ अटलांटिक रूट वेस्टर्न यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका, ठीक है।
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको भी मैं बता ही देता हूँ आपको। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट, हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अटलांटा, ये दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है। उसके बाद आपका है डी का सेकंड है, द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट सी रूट, नॉर्थ अटलांटिक रूट इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट सी रूट, नॉर्थ अटलांटिक रूट। ठीक है, थर्ड आपका है, द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, इट्स टोटल रनिंग लेंथ ऑफ 9,332 किलोमीटर, द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। फोर्थ आपका इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विशर इज द इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑफ स्विट्जरलैंड। द स्टेट ओन्ड एयरलाइन ऑफ इंडिया, द स्टेट ओन्ड एयरलाइन ऑफ इंडिया इज एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइंस, सॉरी यहां पे आपका होगा इंडियन एयरलाइंस इज अ स्टेट ओन्ड एयरलाइन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस। चलिए मैं इसको एक बार लिख ही देता हूं। फर्स्ट है आपका हार्ट्सफील्ड जैक्सन, हर्षल जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नॉर्थ अटलांटिक रूट सेकंड का द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट सी रूट, नॉर्थ अटलांटिक रूट, नॉर्थ अटलांटिक रूट। थर्ड है द लॉन्गेस्ट
ट्रांस साइबेरियन द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे International Airlines of Switzerland, Swissair. Last, the state-owned airline of India, Indian Airlines. तो इस तरह से आपका सेक्शन डी जो है क्वेश्चन डी ये भी कंप्लीट हो गया. यहाँ पे एच ओ टी एस क्वेश्चन है, हॉट्स इसको कहते हैं हम लोग. ये जो है ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप इसको करेंगे. इस चैप्टर को यदि आपने अच्छे से समझ लिया है और इसको पढ़ा है आपने तो आप इसका आंसर दे सकते हैं. हॉट्स क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है. तो आज अपने क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.